सभी लोग अगर इस वाले फेसबुक लाइव पे जुड़ जाए, पुराना जो फेसबुक लाइव था उसमें कोई इश्यू आ रहा था तो फिर से मैंने रीस्टार्ट किया है। हेलो अमित कुमार जी, कैसे हैं? नमस्कार। आप जैसा मैं बता रहा था अभी कि जो अभी सरस्वती पूजा अभी आ रहा है, जिसमें हम लोग सभी जो सेंसिटिव लोकेशंस हैं वहाँ पे पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की डिपुटेशन करते हैं, और उसमें जितने भी लोग मूर्ति स्थापित करते हैं उन सभी लोगों को निश्चित तौर पे और जो लाइसेंस है उसको लेने की आवश्यकता होती है। जो आयोजक होते हैं उनको लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है, उसमें कई शर्तें होती हैं और उन शर्तों का उनको पालन करना होता है, जिसमें कि सीसीटीवी लगाना, उसके अलावा जो किसी तरह का जो भड़काऊ गाना नहीं बजाना, सांप्रदायिक गाना नहीं बजाना। हम लोगों ने डीजे को भी बैन किया हुआ है। पिछले बार भी जितने भी पर्व त्यौहार हुए थे उसमें डीजे पे पूरी तरीके से बैन था। इसमें जिन लोगों ने उस पर उस डीजे के बैन को तोड़ा था, फॉलो नहीं किया था, उनका हम लोगों ने कार्रवाई भी की थी डीजे वालों पे। कई सारे डीजे को हम लोगों ने जब्त भी किया था और ये लगातार चलता रहेगा। इस बार भी हम लोगों ने पूरी तरीके से, और डीजे सरकार के द्वारा ही बैन किया हुआ है क्योंकि उसमें हाई डेसिबल में साउंड आता है जो कि किसी खास करके जो मरीज हैं या बूढ़े लोग हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। उसके अलावा कई बार लोग भड़काऊ गाने भी बजाने की कोशिश करते हैं जिससे कि तनाव पैदा होता है समाज में। तो उन सब चीज़ों को हम लोग पूरी तरीके से नोटिस करते हैं, पूरी तरीके से मॉनिटर करते रहते हैं। हमारे DIU में, हमारे ऑफिस में सोशल मीडिया सेल भी है जो लगातार जो सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट करते हैं लोग उसको मॉनिटर करते हैं। और अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे केसेज हुए हैं जिसमें कि जो लोग कुछ यंग बच्चे हैं खास करके, वो सोशल मीडिया पे कुछ भड़काऊ मैसेज उन्होंने डाला जिसके कारण से उनको उनके ऊपर FIR करके और उनको जेल जाना पड़ा। तो आप लोगों से भी अनुरोध होगा, सभी लोगों से अनुरोध होगा कि जब इस तरह की चीज़ें हों तो सोशल मीडिया पे एक जो है मॉडरेशन करने की आवश्यकता है। उसमें क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिखे, उन सब चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया भी एक पावरफुल प्लेटफॉर्म बन गया है। पावरफुल प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें कि सभी लोग जुड़े हुए हैं, उससे समाज में अशांति फैलने का चांसेस बहुत रहता है। खैर, अभी जितने भी लोग जुड़े हैं, आप अगर उनको आपको कोई भी शिकायत हो मधुबनी पुलिस से रिलेटेड, मधुबनी जिला से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे मैसेज पे लिखिए, उस पर हम लोग एक एक करके रिप्लाई करेंगे और बात करेंगे। मनीष कुमार, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आपको भी। शिव शंकर सुमन, जैन सर, माई सेल्फ हवलदार शिव शंकर राम सर्विंग इन असम राइफल्स प्रेजेंटली पोस्टेड मेघालय एंड परमानेंट रेसिडेंट ऑफ मधुबनी। सर, आई अप्लाइड फॉर गन लाइसेंसेस 2 months अगो फ्रॉम मेघालय। शिव शंकर जी, गन लाइसेंस का जब आपने अप्लाई किया है तो उस पर उसका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद वो वेरिफिकेशन का जो रिप्लाई है और जो डॉक्यूमेंट्स है वो वापस जहाँ से हमें भेजना है वो भेज दिया जाएगा। अगर आप कोई रेफरेंस नंबर देंगे तो हम उसको चेक करवा लेंगे कि अभी किस स्टेज पे वो वेरिफिकेशन है। मोहम्मद अशरफ अहमद, सकरी में जाम की बहुत समस्या रहती है सर। हम लोगों ने, जैसा आपको पता है कि मधुबनी जिला में एक नया ट्रैफिक थाना भी स्थापित हुआ है जस्ट कुछ दिन पहले, कुछ दो महीने के आसपास हुआ है, और उसको हम लोग बहुत ही जल्दी फुल फ्लेज्ड, उसमें जितने भी पदाधिकारी और कॉन्स्टेबल्स की पोस्टिंग करने की आवश्यकता है उसको कर रहे हैं। जल्दी ही हर लोकेशन पे जहाँ पे जाम की समस्या होती है वहाँ पे हम लोग जो पुलिस कॉन्स्टेबल्स हैं उनकी डेपुटेशन करेंगे, वहाँ पे उनको प्रतिनियुक्त करेंगे। और अगर हमें आवश्यकता पड़ी कि वहाँ पे कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है, वन वे या टू वे करने की आवश्यकता है, तो वो भी हम लोग करेंगे।
मोहम्मद नासिर सर, भगवानपुर चौक स्थित एक किराना दुकान, दो गोदाम समेत कुल 6 दुकान और सामान से भरे आग लगा दिया गया था। मोहम्मद नासिर, मुझे लगता है कि आप मेरे से आके मिल भी चुके हैं, और मैंने उसमें खुद ही जांच किया था उस केस में। तो उस जांच के बाद मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस आईओ को दिए हैं और भी फर्दर जांच करने के लिए। जैसे वो मुझे रिपोर्ट मिल जाती है, उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। मनीष कुमार सर, लखनऊ के थाना अध्यक्ष को नहीं तबादला कीजिएगा सर, लखनऊ थाना में ही रहने दीजिएगा। मनीष जी, जो अभी थाना अध्यक्ष जितने भी थे, अभी चूंकि आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, लोकसभा इलेक्शन में जितने भी जिले में 3 साल से ज़्यादा पदाधिकारी थे या जो 8 साल से ज़्यादा उनका रेंज में हो गया था, उनकी ट्रांसफर जो है मुख्यालय के द्वारा किया गया है, तो उनको हम लोग रोक नहीं सकते, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है, उसी के आधार पे ही ये ट्रांसफर हुआ है। खैर, उसकी जगह पे आपको हम लोग दूसरे थाना अध्यक्ष की पोस्टिंग की जाएगी, जो कि उसी तरीके से अच्छा काम करे, इस चीज़ को हम लोग इंश्योर करेंगे। मोहम्मद इनायतुल्ला सदर अस्पताल को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें सर, साफ सफाई का मामला ठीक नहीं रहता। इस बात को हम लोग जो सिविल सर्जन हैं उनके संज्ञान में इस चीज़ को डाल देंगे और इंश्योर कराएंगे कि वहाँ पे साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था रहे और लोगों की सुविधाएं जो हैं और अच्छी मिले। गौतम कुमार गौतम सर, हमने पहले भी एक कमेंट किया था कि रहिका थाना के अंतर्गत चोरी हुआ था सर, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कमालपुर गांव में 30 लाख से ऊपर की चोरी हो गई है। गौतम कुमार गौतम, अगर FIR नंबर आप टाइप करके बता देंगे तो हम लोग इसको नोट करके और इसको रिव्यू करेंगे, इसमें अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, और अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो आगे फर्दर जो है हम लोग अपनी टेक्निकल टीम को इसमें लगाएंगे, ताकि ज़्यादा जल्दी से जल्दी इसमें विभेदन हो और आपका जो सामान चोरी हुआ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हो सके। विजय कुमार सर जी, मेरा जमीन में घर बना हुआ है, मेरे पड़ोसी उसमें काम नहीं करने देते हैं, मैंने नौका थाना दिवस पर आदेश भी मिला है, फिर भी नहीं मान रहा है सर, मेरा कल्याण कीजिए। विजय कुमार जी, आप जैसा बता रहे हैं कि आप शनिवार को थाना दिवस में उपस्थित हुए थे, और उसके बाद भी जो अपोजिट पार्टी है वो आपको काम नहीं करने दे रहा था, घर नहीं बनाने दे रहा, तो मुझे एक बार आपका डिटेल मैं अभी नोट कर लेता हूँ, हमारी टीम नोट कर ले रही है, इसमें हम लोग ये देख लेंगे कि आपके ज़मीन के ऊपर क्या आदेश दिया गया है संबंधित CEO, और जो थाना दिवस में जो क्या निर्णय लिया गया था उस निर्णय के आधार पर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। हीरा शर्मा, बेनीपट्टी में एग्ज़ाम में जाम बहुत लग रहा है, प्लीज़। ये ज़रूर है कि चूंकि अभी बड़ी संख्या में लोग एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं, साथ साथ में गार्जियन भी आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग गाड़ियों से आ रहे हैं, तो उसके कारण से भीड़ थोड़ी बढ़ी है। हम लोग एक्स्ट्रा डेपुटेशन किए हुए हैं थाना के में पुलिस फोर्स को, ताकि सुचारू रूप से ट्रैफिक चले उसको इंश्योर कराया जाए, और भी आवश्यकता होगी तो हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स को डिप्लॉय करेंगे, ताकि ये जो जाम की समस्या है इसमें कमी लाई जा सके। आप लोगों से भी अनुरोध होगा कि जो आप लोग गाड़ी अपनी पार्क करते हैं वो साइड में करें, रास्ते में कटने से जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि सड़क जो है पतली हो जाती है जो आप पार्क करते हैं गाड़ी, उसके कारण से, और उसके कारण से जाम की समस्या बढ़ जाती है। सुशील कुमार, मेरा एक क्वेश्चन है सर, पासपोर्ट में PS में अमाउंट भी लगता है सर? नहीं सुशील कुमार जी, किसी तरह का कोई भी अमाउंट देने की कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई इस तरह की हमारे थाना के कोई भी पदाधिकारी या कर्मी अगर इस तरह की बात करते हैं तो उसको कृपया हमारे संज्ञान में लाइए, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। विजय कुमार सर जी, मेरे माँ को उसी जमीनी विवाद में पैर को भी कट और तोड़ दिया है,
विजय कुमार जी, उसके इसमें जो FIR हुआ है, कृपया उसके बारे में अगर डिटेल दें तो हम लोग इंश्योर कराएंगे कि उसमें उस केस में जो कार्रवाई विधि सम्मत होनी चाहिए उसको और तेज़ी से कराया जाए। पंकज झा सर, चोरी की क्राइम बढ़ गई है, कल रात में मेरे गांव में चोरी हुई। पंकज झा जी, आपके आपका गांव कौन सा है, इसके बारे में अगर डिटेल देंगे। ठंड के मौसम में चोरी घटनाएं कुछ बढ़ी है, ये जरूर है। उसमें हम लोगों ने पैदल गश्ती जो है और चौकीदारों के थ्रू जो बाजार है, सुनसान बाजार होते हैं, वहाँ पे भी पैदल गश्ती करवाते हैं। उसके अलावा थाने की पेट्रोलिंग गाड़ियाँ भी लगातार गश्ती करती हैं। इसके बावजूद कुछ चोरियाँ हुई हैं, जिसमें हम लोग ने FSL की टीम, टेक्निकल टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, और उम्मीद है कि हम लोग जल्दी ही जो इसमें संलिप्त चोर हैं उनकी गिरफ्तारी करेंगे। कुछ जगह पे चोरी वाले केसेस में हम लोगों ने गिरफ्तारी भी की है, रिकवरी भी की है। आपका जो अगर पूरा डिटेल दे देंगे तो उस पर हम लोग देख लेंगे कि इस पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रोग्रेस है, हुआ है। मोहम्मद नाशिद सर, जब आप 10 जनवरी को ऑनलाइन आए थे तो आप CCTV फुटेज का अवलोकन तथा इस बक्का रिव्यू कर चुके हैं। जैसा मैंने बताया नासिर जी, मुझे ध्यान है आपके केस के बारे में। उस CCTV फुटेज में जो दिखा है उस बेसिस पे ही हम लोगों ने निर्देश दिया था कुछ अन्य चीज़ों के बारे में पता करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि उस CCTV फुटेज से बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी। आपका जो आरोप था उस आरोप के आधार पे हम लोगों ने चीज़ों को वेरीफाई किया है और उसमें और आवश्यकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इसीलिए हम लोगों ने निर्देशित किया है। रफ़ी ब्रदर्स सर, हमारे कमेंट को भी ध्यान दीजिए। रफ़ी ब्रदर्स, एक बार फिर से अगर आप कमेंट को पोस्ट करेंगे तो हम इसको देखेंगे। शायद ऊपर आपने डाला होगा, जो कि काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं जिस कारण से मिस हो गया। मनीष कुमार सर, लखनऊ थाना अध्यक्ष जी का 22 महीना हुआ है मधुबनी जिला में। मनीष जी, लखनऊ थाना अध्यक्ष का 22 महीना भले ही मधुबनी जिला में हुआ है, लेकिन जो रेंज है, रेंज जो होता है जिसमें 3 जिले आते हैं, मिथिला रेंज में मधुबनी जिला आता है, उसके अलावा जो अन्य 2 जिले हैं वो दरभंगा और समस्तीपुर है। तो इन तीनों जिला में मिलाकर उनका जो कार्यकाल है वो 8 साल से ज़्यादा हो गया है, इसलिए उनको उस रेंज से ही ट्रांसफ़र किया गया। तो ये इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के तहत मुख्यालय के द्वारा किया गया है, इसलिए जो थाना अध्यक्ष की जो ट्रांसफ़र हुआ है उसको रोका नहीं जा सकता। तो कोई दूसरे ऑफिसर वहाँ पे एज ए थाना अध्यक्ष पोस्ट किए जाएंगे और वो भी अच्छे से कार्य करेंगे, इस चीज़ के लिए हम लोग इंश्योर कराएंगे। रमन मंडल सर, जयनगर थाना कांड संख्या 181-23 में नाबालिग लड़की अपहरण का मामला है, आज तक लड़की को कोर्ट में पेश नहीं किया गया। रमन जी, इसमें लड़की अगर बरामद हो गई है तो निश्चित तौर पे लड़की को कोर्ट में पेश करना है, खास करके जब नाबालिग लड़की है तो उसको निश्चित तौर पे कोर्ट में उसका पेशी करके उसका बयान कराना है, मेडिकल कराना है। मैंने ये केस नंबर नोट कर लिया है और मैं अभी तक मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें ये सारा काम करा दिया गया होगा। अगर नहीं कराया गया होगा तो हम लोग इसको तुरंत इंश्योर कराएंगे और इसमें जिसने भी लापरवाही बरती है ऑफिसर ने उस पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि ये सारी जो अपहरण से रिलेटेड जो केसेज होते हैं हम लोग इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पर लेते हैं, और इसमें जितनी त्वरित कार्रवाई की जा सके उसके लिए हम लोग निर्देशित करते हैं सभी पदाधिकारियों को। तो अगर किसी पदाधिकारी ने इसमें किसी तरह की लापरवाही बरती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद रुस्तम, फुलपरास थाना पे कुछ बोलिए। अगर आपको फुलपरास थाना से कोई रिलेटेड शिकायत है तो उसके बारे में बताइए। जनरली तो फुलपरास थाना में कार्य हो रहा है, वहाँ के भी थाना अध्यक्ष की बदली हुई है, वहाँ भी नए थाना अध्यक्ष की पोस्टिंग होनी है,
लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक इश्यू है, कंप्लेन है, तो उसके बारे में बताइए, तो मैं उसके बारे में बात कर पाऊँ। बादशाह नसीम सर, ओसी ओपी थाना की गाड़ी गश्ती बहुत कम होता है, कृपया इस पर ध्यान दीजिए। नसीम जी, मैं हर हर थाना के जो पेट्रोलिंग गाड़ी है उसमें जीपीएस लगाया गया है, उस जीपीएस को हम लोग चेक करेंगे, और आपका जो आरोप है, आपका जो कंप्लेन है कि थाना के द्वारा गश्ती कम की जा रही है, तो हम लोग इसको सुधार भी करवाएंगे, और क्यों कम हुई है उसके बारे में भी हम लोग कारण परीक्षा करेंगे संबंधित पदाधिकारी से। रफी ब्रदर्स सर, बिस्फी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जिस पे रोक लगाने की आवश्यकता है। बहुत मेहरबानी होगी, वहाँ कोई काम करवाना जाए तो बिना पैसे के काम नहीं होता है। आप अपने आदमी को अनजान आदमी भेजकर इस पे देख सकते हैं। बिस्फी ब्लॉक में अगर कोई रफ़ी जी, ये जो है जनरल कंप्लेंट है, अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ बता सकते हैं कि फलना ऑफिसर ने आपके साथ कुछ पैसे मांगे हैं या कोई अन्य चीज़ मांग की है काम के बदले, तो उसके बारे में बताएंगे तो हम लोग उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे अकॉर्डिंगली, जो भी संबंधित पदाधिकारी होंगे। संजय सहनी, लदनिया थाना के पथराही पंचायत में खुलेआम दारू मिलता है। संजय जी, हम लोग, मैंने इस जगह का पथराही पंचायत का नाम नोट कर लिया है। अगर आप चाहें तो, या कोई भी चाहे, कोई भी व्यक्ति जो अभी जुड़े हुए हैं, जो इस माध्यम से बात कर रहे हैं और सुन रहे हैं, अगर आपको कहीं भी स्पेसिफिक कोई शराब बेचने वाले जो धंधा शराब का कर रहे हैं, वैसे माफिया के बारे में अगर कोई सूचना देनी है, तो आप गुप्त रूप से भी सूचना जो है हमारे व्हाट्सएप मैसेज पे कर सकते हैं, या फिर जो एक्साइज डिपार्टमेंट का हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी कर सकते हैं। उसमें आपका नाम गुप्त रखा जाता है और हम लोग उस बेसिस पे कार्रवाई करते हैं। तो आपने जो ये जगह बताया है उसका हम लोगों ने नोट कर लिया है, और वहाँ पे कार्रवाई होगी, छापेमारी करवाई जाएगी। मोहम्मद नासिर, मेरा केस आईओ का ट्रांसफर हो गया है सर, थाना कोई अपडेट नहीं दे रहा। अभी जैसा मैंने बताया कि बड़े पैमाने पे हर थाने में सभी पदाधिकारियों की ट्रांसफर हुई है, चूंकि इलेक्शन के कारण ये सारी चीज़ें कवायद चल रही है, तो जो नए थाना प्रभारी या जो भी आईओ आएंगे, वो जहाँ तक अभी तक इन्वेस्टिगेशन आया है उसे आगे कंटिन्यू किया करेंगे, और ये तुरंत हो जाएगा। अभी इसमें आप थोड़ा वक्त और दें ताकि हम लोग इस पर आगे काम कर पाए। ऋषिकेश राजी, जीपी के सप्लायर थे आपका, पेमेंट 5 लाख का समथिंग मेरा पैसा ब्लॉक हो गया, किस कारण से हुआ है, आपने क्या सप्लाई किया था, इसके बारे में आकर के मेल करके डॉक्यूमेंट के साथ मुझे बता दीजिए। अगर उसमें किसी अगर टेक्निकल इश्यू से प्रॉब्लम है जो पेमेंट नहीं किया गया, तो उसको हम लोग देख के और जो भी निराकरण होगा उसको करेंगे, और पेमेंट करने लायक होगा तो करेंगे। तो कृपया करके आप एक बार हमसे आके मिल लीजिए पूरे डॉक्यूमेंट में। सर, गजहरा पंचायत में भी खुलेआम बिक्री होता है लदनिया से। चंदे कुमार जी, ठीक है, हम लोगों ने ये जगह का भी नोट कर लिया है, और यहाँ पे भी हम लोग अपनी टीम से, स्पेशल टीम से, जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है, उससे छापेमारी करवाएंगे। धीरज यादव सर, मेरा फोन खो गया है और हम एप्लीकेशन भी दिए थे हरलाखी थाना में, बहुत दिन हो गया लेकिन मुझे अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला।
धीरज यादव जी, अगर आप अपने फोन का सनहा जो करा गया है, फोन का उसका अगर सनहे का कॉपी हमें व्हाट्सएप कर देंगे तो हमें उसको अपने टेक्निकल सेल से एक बार दिखवा लेंगे कि क्या वो कभी फोन ट्रैक हो पाया है, किसी ने उस फोन को ऑन किया है कि नहीं। हम लोग लगातार, जैसे आप लोगों को पता है कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो खोए हुए मोबाइल है उसको बरामद करके और जो उसके एक्चुअल धारक है उसको हम लोग लौटा रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात यही होती है कि जो फोन खोया है या चोरी हुआ है वो फोन अगर ऑन होता है तभी हम उसको ट्रैक कर पाते हैं। तो आप एक बार अपना सनहा जो है उसको हमारे साथ शेयर कर दें, व्हाट्सएप के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं, तो मैं इसको दिखवा लूँगा। अगर ये ऑन हुआ होगा तो हम लोग इसको ट्रैक करके और आपको वापस लौटाएंगे। मोहम्मद रुस्तम, फुलपरास थाना में मेरा मामी को फंसाया गया है सर, इस पर कुछ बोलिए प्लीज़। मोहम्मद रुस्तम जी, इसमें डिटेल चाहिए होगा किस केस में क्या हुआ है, ये तो इससे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से केस के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो अगर उसके बारे में डिटेल देंगे तो हम इस पे हम लोग आगे रिव्यू करके और जो भी कार्रवाई होगी विधि सम्मत उस पर करेंगे। नासिर हुसैन, गुड वर्क एसके सुशील कुमार जी, मधुबनी। थैंक यू नासिर जी। चौधरी अभिषेक सर, आपको कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी प्रणाम चौधरी जी, अभिषेक जी। अंकित कुमार सर, बासोपट्टी थाना पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ज़्यादा शराब बिक रहा है। अंकित जी, जैसा मैंने कहा कि अगर कोई विशेष एरिया है जहाँ पे ये इशू है तो उसके बारे में आप गुप्त रूप से हमें सूचना दे सकते हैं। हम लोग अपनी जो जिला की टीम है या मैं वरीय पदाधिकारी को निर्देश दूंगा कि वहाँ पे जा कर के और छापेमारी करें और जो भी इसमें संलिप्त है उस पर कार्रवाई। बैजनाथ यादव, घुघरडीहा थाना प्रभारी सर्वेश कुमार झा का बदली हुआ है सर? नहीं, उनका नहीं बदली हुआ है। जो वैसे थाना प्रभारी का बदली हुआ है जो कि जिले में 3 साल से ज़्यादा थे या रेंज में 8 साल से ज़्यादा उनका हुआ था, वैसे उन्हें भी ट्रांसफ़र किया गया है। आलम सुल्तान सर, महाराजगंज से भैरवा जाने वाले रास्ते पे भाछी भैया जी पोखर के पास कुछ लोग रोज शराब पीते हैं और आने जाने वाले लोग को परेशान करते हैं, लूटपाट करते हैं, कृपया कार्रवाई कीजिए। ठीक है आलम सुल्तान जी, ये वाली चीज़ जो है हम लोगों ने नोट कर लिया है और इस पे इंश्योर कराएंगे कि वहाँ पे जो भी ऐसे इस तरह के असामाजिक तत्व तो हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाए। बादशाह नसीम, मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार जी, एकदम का कदम एकदम सराहनीय है, बहुत बहुत धन्यवाद बादशाह नसीम जी। परमानंद सिंह सर, लदनिया थाना केस नंबर 12/22 में अभी तक कुछ नहीं हुआ। परमानंद जी, हमने ये केस नोट कर लिया है, 12/22 लदनिया थाना कांड संख्या, और इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी उसको हम लोग रिव्यू करके और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उसको करवाएंगे। विजय कुमार सर जी, घर बना हुआ है बट गेट नहीं लगाने देता है, कुछ नहीं हुआ है सर जी अभी तक, केस नंबर 28/23 सर जी, अभी तक इस मारुति को कुछ सजा नहीं दिया गया। विजय जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये जो विवाद है वो जमीनी विवाद है या गेट लगाने क्यों नहीं दे रहा है, इसका कारण क्या है? क्या आप जो शनिवार को थाना दिवस पे SHO और CO के द्वारा जो कंबाइंड मीटिंग की जाती है जो केवल जमीनी विवाद से रिलेटेड है उसमें आप गए थे? अगर गए थे तो उसमें क्या हुआ उसके बारे में अगर डिटेल बताएंगे तो हम लोग देखेंगे कि अगर कहीं पे हमारी तरफ से चूक है तो उसको हम लोग उस चूक को पूरा करते हुए जो भी उचित कार्रवाई वो करेंगे। धीरज यादव सर, आपका नंबर कैसे मिलेगा? प्लीज़ आप मेरा फ़ोन
खोज देने की कृपया कीजिए, इसके लिए आपको आभारी रहूँगा। धीरज जी, मेरा जो एसपी मधुबनी का मोबाइल नंबर है, अगर कोई लिखना चाहेगा तो लिख ले, 9431822994, 9431822994। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा आप अपने सनहा का, तो हम लोग उसको ट्रैक कर पाएंगे। तो इस पे व्हाट्सएप मैसेज है, आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। मोहम्मद रुस्तम, फुलपरास थाना, केस नंबर 528-22, प्लीज मामी इसमें निर्दोष है। मोहम्मद रुस्तम जी, जैसा मैंने बताया, केस नंबर हम लोगों ने नोट कर लिया, इसको रिव्यू करेंगे और उसमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो किसी दूसरे पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी को इसको सुपरविजन करने के लिए, ताकि वो डीओ पे जा करके सभी जो इंडिपेंडेंट गवाह है उनका गवाह ले करके, और जो भी निर्दोष है, अगर निर्दोष हैं तो उनका नाम निकाला जाएगा, अगर दोषी हैं तो उल्टे कार्रवाई की जाएगी। रफी ब्रदर्स, हाँ यही नंबर है, 9431822994, ये एसपी मधुबनी का जो है सरकारी मोबाइल है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मेरे लिए आसानी होगी उस चीज़ को ट्रैक करने के लिए। गगन कुमार सर जी, मैं 112 कॉल किया था जिसका कंप्लेन नंबर 1317524 है, ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। सर जी, मैंने आपातकालीन स्थिति में कॉल किए थे, थाना की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। 112 में जब कॉल होता है गगन जी, तो उसमें जैसा आपने बताया कि कंप्लेन नंबर मिलता है, और कंप्लेन नंबर पे संबंधित 112 की गाड़ी को जाना होता है, और वहाँ पे कार्रवाई करने के बाद ही वो क्लोज होता है। तो आपका आप अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है 112 के जो केस क्लोज किया गया है, तो आपको कॉल आता होगा 112 के कॉल सेंटर से, और पूछा जाता है कि क्या आप सेटिस्फाई हुए कि नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको कॉल आया होगा, फिर भी अभी आपको जो भी समस्या है, आप जैसा मैंने बताया नंबर पे मेरे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसको थाना के माध्यम से भी इन्वेस्टिगेट करा लूँगा, चेक करा लूँगा, और जो भी कार्रवाई होगा उस पर हम लोग उस पर कार्रवाई करवाएंगे। शिव कुमार कामत, सर क्या पुलिस अपना काम ईमानदारी से करते हैं? शिव कुमार जी, ज़रूर हम लोग कोशिश करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सभी लोग अपने काम ईमानदारी से करें। इसमें जो लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं या किसी तरह का करप्शन करते हैं, उस पर कार्रवाई भी की जाती है, और कई जगह पे हम लोगों ने कार्रवाई भी की है। रंजीत यादव जी, सर आपसे निवेदन है कि हिट एंड रन कानून में जो बदलाव आया है, इस पर कुछ प्रतिक्रिया दे, ताकि अपने जिला के ड्राइवर समाज जागरूक हो। रंजीत जी, जो नया कानून आया है, ये बड़ा लंबा टॉपिक है हिट एंड रन वाला, उस पर बात करने से पहले मुझे लगता है कि पूरा टाइम लगेगा, और उस पर बात करने के लिए सारी जो उसमें रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, जो एक्ट है, उसको एक बार मुझे स्टडी करना होगा। हिट एंड रन में बेसिकली जब आप किसी को, आपसे अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो अपेक्षा ये की जाती है ड्राइवर से भी कि जो पीड़ित व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको तुरंत नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाएं, या किसी तरह की मदद एम्बुलेंस बुलाकर कराएं, ताकि उसको जल्दी से जल्दी उपचार मिल पाए। क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें टाइम का बहुत महत्व होता है, जितनी जल्दी जिसका जो घायल व्यक्ति है उसका इलाज होगा, उतनी जल्दी उसके बचने का और सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें वैसे लोग जो कि एक तो एक्सीडेंट करते हैं लापरवाही से गाड़ी चलाने में, और उसके बाद जो घायल व्यक्ति है उसको छोड़कर भाग जाते हैं, उस पर कुछ प्रावधान किया गया सरकार के द्वारा। तो और इसमें एक और जो संबंधित चीज़ है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है और उसमें कोई व्यक्ति जो कि उसने एक्सीडेंट नहीं किया हो लेकिन वो गुजर रहा है, अगर वो जो घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है या
एम्बुलेंस बुलाता है तो उसे गुड समैरिटन के तौर पे हम लोग रिकॉग्नाइज भी करते हैं, पुरस्कृत भी करते हैं, सरकार के द्वारा भी पुरस्कृत किया जाता है। जैसा अभी 26 जनवरी था, 26 जनवरी को भी आप अगर के लोगों ने देखा होगा जिले में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया गया था जो एक्सीडेंटल केस में जो घायल व्यक्ति है उनको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुँचाए थे और उस उनके इस कार्य के कारण जो घायल व्यक्ति है उनकी जान बच पाई थी। कौशल किशोर प्रणाम महोदय, बाबूबरही थाना कांड संख्या 296/22 पिछले 6 महीने से सदर डीएसपी महोदय के पास री सुपरविजन हेतु लंबित है। कौशल जी मैंने इसको नोट कर लिया है, री सुपरविजन मैं इंश्योर कराता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस डीपीओ सदर के द्वारा कराया। मनीष यादव, नमस्ते सर, मैं मधवापुर थाना क्षेत्र में बलवा पंचायत से हूँ। मैं अपने ज़मीन पर घर बना रहा था लेकिन मेरे ज़मीन पर विपक्षी पार्टी ने ज़बरदस्ती किला खूंटा गाड़ दिया है और मेरे ज़मीन पर मेरा घर नहीं बनने दिया। मेरे पास ज़मीन का पूरा कागजात है, थाना दिवस पर कई बार गया लेकिन कोई विपक्षी के पास कोई कागजात नहीं है। देखिए इस तरह के मामलों में मैं एक बार थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ कि जैसे अगर जो ज़मीनी विवाद होते हैं उसमें कई बार होता है कि एक पार्टी के पास कागजात तो पूरे होते हैं, दूसरी पार्टी के पास कोई कागजात नहीं होता लेकिन फिर भी वो जानबूझ करके परेशान करते हैं जो एक्चुअल ऑनर है उनको भी। तो इसमें जब कोई पार्टी भी थाना में इसका आवेदन देती है तो दोनों पार्टी को बुलाया जाता है और दोनों पार्टी को बुला करके दोनों पार्टी से मांगा जाता है कागजात कि आप जिस ज़मीन पे क्लेम कर रहे हैं उसमें जो भी आपके कागजात हैं उसको दिखाइए। उस पर सीओ भी होते हैं, सीओ के पास सारी रिकॉर्ड होता है, आप जो कागजात दिखाते हो अपने रिकॉर्ड से और रजिस्टर से उसको चेक भी करते हैं, वेरीफाई भी करते हैं। और इसमें अगर दूसरी पार्टी के पास कोई कागजात नहीं होती है तो उन पर एक तरफा कार्रवाई की जाती है, उसका आदेश दिया जाता है। इसमें कई बार होता है कि दूसरी पार्टी जिसके पास कागजात नहीं है वो पहली बार या दूसरी बार में अपीयर नहीं होते हैं थाना में जब नोटिस करके बुलाया जाता है, तो वैसे लोगों पे एक दो बार तो हम लोग चांस जरूर मौका देते हैं और अगर वो तीसरी बार नहीं आते हैं तो एक पक्षीय जो आदेश है वो वहाँ पे दिया जाता है और उसके बाद दूसरी जो पार्टी जिसके पास कोई कागजात नहीं है उस पर 107 की कार्रवाई भी की जाती है। तो ये हम लोग अब आपके केस में मनीष जी आपके केस में इस तरह का कार्रवाई किया गया कि नहीं इसके बारे में अगर बताएंगे तो मैं इसको चेक करवा लूंगा। सदाकत आलम, सर रुद्रपुर थाना अध्यक्ष आयशा कुमारी जी का कार्य बहुत सुंदर एवं सराहनीय है। सर मेरा जमीनी विवाद थाना दिवस पर करीब 6 महीने से चल रहा है पर कोई निदान नहीं हो रहा है, सर आप कुछ करेंगे मेहरबानी होगी। सदाकत जी आपका जमीनी विवाद किस तरह का है? देखिए जमीनी विवाद कई तरह के होते हैं जिसमें कई बार थाना और सीओ के पास भी पावर नहीं होता है उसको कि सॉल्व कर पाए। कई बार कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें कोर्ट ही सक्षम होता है उस विवाद को सुलझाने में, खास करके वैसे मामले जिसमें आपसी परिवार में बंटवारा का विवाद हो। तो बंटवारा का विवाद में रिजोल्यूशन करना, हेल्प कर पाना थाना के पास या सीओ के पास या एसडीओ के पास बहुत उसमें पावर नहीं होता, उनके पास बहुत अथॉरिटी नहीं होती। इसमें कोर्ट ही है जो सक्षम प्राधिकार है जहां से आपको हेल्प मदद मिल सकती है। तो आपको आपका जो ये पर्टिकुलर जमीनी विवाद है किस तरह का है, उसमें क्या इशू है इसके बारे में डिटेल बताएंगे, या अगर आप कोई आपका आपने आवेदन दिया है वो मेरे व्हाट्सएप पे कर देंगे, भेज देंगे, तो हम लोग संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित करेंगे, इस पर पूरी तरीके से गहराई से जांच करेंगे। सोनी कुमारी, सर जी प्रणाम, सोनी कुमारी जिला अध्यक्ष महिला जीडी। नमस्कार सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फेसबुक लाइव से जुड़ने के लिए।
मोहम्मद रुस्तम जी, आपका केस हम लोगों ने नोट कर लिया है, और मैं आप ये फेसबुक लाइव होने के बाद मैं उस फाइल को मंगा करके स्टडी करूंगा, देखूंगा कि आपका जो इश्यू है उस पर हम लोग रिव्यू करेंगे, संबंधित आईओ भी बुला करके रिव्यू करेंगे, और जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे, आगे जो भी पदाधिकारी हैं उनको निर्देशित भी किया जाएगा कि उचित कार्रवाई करने के लिए। अकील इकबाल सर, पंडोल में केस था, अभी तक पुलिस कोई अपडेट नहीं दे रही है कि इस पर क्या संज्ञान लिया। अकील जी, पंडोल में जो केस है उसका केस नंबर या कोई डिटेल बताएंगे ताकि हम उसको नोट कर लें, किस नाम से आवेदन दिया है, कौन सा केस नंबर हुआ है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल बता पाएंगे तो हम लोग इसको नोट करके और संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित करेंगे। विद्यानंद आनंद, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून विद्या जी। शिव कुमार कामत सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, कृपया प्रतिक्रिया दें। मैं मिस कर गया शिव कुमार जी, आपका सवाल क्या था, अगर एक बार फिर से सवाल आप डालेंगे तो मैं उस पर प्रतिक्रिया दूंगा। सोनू चौधरी, मधेपुर में थाना प्रभारी का ट्रांसफर हो गया है क्या? सोनू जी हाँ, ज़्यादातर थाना के पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष का ट्रांसफर हो गया है, जैसा मैंने बताया इलेक्शन कमीशन के निर्देश के आलोक में ट्रांसफर किया गया है मुख्यालय के द्वारा और रेंज के द्वारा, तो जल्दी ही वहाँ पे नए थाना प्रभारी की पोस्टिंग कर दी जाएगी। रविंद्र पीयूष कुमार मंडल सर, मेरा नाम रविंद्र कुमार मंडल है, जयनगर थाना के संख्या 181-23-24-4-23, मेरे बहन को अपहरण कर लिया गया है, गांव के कुछ लोगों ने, प्लीज सर मेरे बहन को बरामद करवा दीजिए। रविंदर जी, मैंने इसको नोट कर लिया है, हम लोग भी पूरी तरीके से इसमें सख्ती से कार्रवाई करते हैं, खास करके जो नाबालिग लड़की का अपहरण हो जाता है उसमें जितनी जल्दी से जल्दी और त्वरित कार्रवाई हो पाए उस चीज़ को हम लोग इंश्योर कराने की कोशिश करते हैं। आपका केस हमने नोट कर लिया है, काफ़ी टाइम हो गया है, हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपकी अपहृत बहन का बरामदगी हो जाए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई। प्रियांशु कुमार ठाकुर सर, बासुपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत बहुत से दारू का काम चल रहा है, इस पर आप क्या बोलेंगे, आपके डिपार्टमेंट कोई भी काम नहीं कर रहा है। प्रियांशु जी, आप एक बार बासुपट्टी थाना क्षेत्र में कौन सा एरिया है जहाँ पे इस तरह की शिकायत है उसके बारे में डिटेल में बता पाएंगे? अगर यहाँ नहीं बताना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे ये मैसेज पे बता दीजिए, आपका नाम कहीं से भी हमेशा गुप्त रखा जाएगा, आपका नाम कहीं भी आउट नहीं होगा, तो बता दीजिए ताकि उस पर हम लोग स्पेसिफिक तौर पे कार्रवाई कर पाए। देश राज पिल्लू राणा सर, मेरी पत्नी हमको छोड़कर चली गई है जिससे मेरे ससुराल वालों का पता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि वो कहाँ है, किसके साथ में। अगर आपने इस मामले में कोई केस कराया है कहीं पे, आपके आपका कौन सा जगह है, किस जगह पे आप रहते हैं, आप अपनी पत्नी के साथ कहाँ पे रहते थे, इस बारे में अगर डिटेल में बताएंगे, या अगर केस किया है किसी थाने में उसके केस के डिटेल बताएंगे तो हम लोग उस पर आगे कार्रवाई कर पाएंगे। अरविंद कुमार झा, क्या इस नंबर के द्वारा एसपी साहब के समक्ष अपनी शिकायत या बात रखी जा सकती है? अरविंद जी, एकदम जो नंबर सरकारी नंबर है उस पे ज़रूर आप शिकायत कर सकते हैं, और मेरा अनुरोध यही रहेगा कि व्हाट्सएप पे उस पे मैसेज करेंगे तो उस वो सबसे बेटर तरीका होता है। कई बार होता है कि जैसे अभी मैं अभी फेसबुक लाइव में बैठा हूँ तो कॉल आ रहा है तो मैं कॉल उठा नहीं पा रहा, क्योंकि कई बार मीटिंग भी होता है उसमें भी कॉल आता है तो उठा नहीं पाता, तो अगर आप मैसेज कर देंगे तो हम लोगों को वो ज़्यादा आसानी से उस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई कर पाएंगे।
और अपने टाइम पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, अपनी शिकायत को रख सकते हैं। हरी शंभू, मधुबनी जिला के हरलाखी थाना में 130-23 के तहत मेरे ऊपर झूठा मुकदमा फंसा दिया गया है सर, इस मामले पर संज्ञान लीजिए सर। कोई कई सारे एविडेंस है मेरे पास, इसके बाद पुलिस मुझे झूठा मुकदमा फंसा दी। हरी शंभू, मुझे लगता है कि आप मेरे से मिले हुए इस मामले में, एक बार आप फिर से मिल के मुझे अपने जो एविडेंस है जो आपके हिसाब से वो आपको निर्दोष साबित करते हैं उसके बारे में देंगे उस एविडेंस को, तो हम लोग उस पर संज्ञान लेकर जो भी विधि सम्मत होगा वो कार्रवाई करेंगे। सर वो नंबर शेयर किया जाए, विकास कुमार। विकास जी मेरे ख्याल से आप मेरा सरकारी नंबर पूछ रहे हैं, 9 लिख लीजिए, 9431822994। ये आप कहीं भी गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, नंबर जो है सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है, कहीं भी गूगल पे सर्च करके आप ले सकते हैं। पर्सनल मैसेज कर देंगे सर, जरूर प्रियांशु जी व्हाट्सएप कीजिए, सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन का तरीका वही है, व्हाट्सएप मैसेज कर देने से उसमें हमें भी आसानी होती है कि संबंधित पदाधिकारी को व्हाट्सएप के माध्यम से फॉरवर्ड करके और निर्देशित भी कर देते हैं इसमें तुरंत कार्रवाई करने के लिए। कुंदन शर्मा, सर झंझापुर में विवादित जमीन में मेरा कब्जा में था तो उस रास्ता के यूज करते थे और उस पर उसने कब्जा कर लिया, तत्काल रास्ता नहीं दे रहा है, पीछे मकान था, टाइटल सूट केस चल रहा है। संजय, टाइटल सूट के केस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि टाइटल सूट केस जो है कोर्ट में चलता है और कोर्ट का जब तक कोई स्पेसिफिक निर्देश नहीं आ जाता है उसमें थाना के द्वारा किसी तरह का हस्तक्षेप करना उचित नहीं होता है। तो अब टाइटल सूट का कोई या तो आदेश आ जाए या जिसके पास पहले से कब्जा में है उसी के कब्जा में रहेगा और जब तक कि कोई अन्यथा आदेश ना आए तो आपका जो केस है, आपका जो पर्टिकुलर कंप्लेन है ये यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है कि किसके कब्जा में था और अभी किसके कब्जे में है। देश राज पिल्लू राणा, सर मैंने 2 बार पुलिस को भी 2 बार रिपोर्ट किए लेकिन वो तो अब रहना ही नहीं चाहती है। सर मेरे 3 बच्चे, 18 साल का लड़का, 13 और 7 की लड़की है जो मेरे पास है और कोई भी केस दर्ज नहीं किया है, नहीं उसने और नहीं हमने। देशराज पिल्लू जी, ये थोड़ा सा टिपिकल इशू है, आप संबंधित नज़दीकी थाने में इसका एक कंप्लेन डालिए। हम लोग जैसा मैंने पहले ही बताया था कि हर थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है जिसमें महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला कांस्टेबल हम लोगों ने पोस्ट किया है। उनका स्पेसिफिक काम यही है कि इस तरह के जो पारिवारिक मैटर होते हैं, खास करके दहेज मांगने का, दहेज प्रताड़ना या आपस पति पत्नी के बीच में मारपीट या इस तरह के केस जो होते हैं, मामला जो होते हैं पारिवारिक मामले, उसमें महिला हेल्प डेस्क जो है दोनों पार्टी को बुलाती है और काउंसलिंग करने की कोशिश की जाती है। आपका भी मामला जिसमें ऐसा लग रहा है जिसमें काउंसलिंग की आवश्यकता है तो संबंधित थाने में महिला हेल्प डेस्क पे इस चीज़ को आप अपने कंप्लेन को डालिए ताकि वहाँ की महिला पुलिस पदाधिकारी जो है दोनों पार्टी को बुलाए और कोशिश करे समझौता कराने की, काउंसलिंग करने की। अगर उस पर नहीं होता है तो आगे की कार्रवाई के लिए आप सोच सकते हैं। आयुष राज, प्रियांशु भाई यूपीएससी से बनते आईएएस आईपीएस? हाँ, यूपीएससी एक एग्जाम होता है जो साल में एक बार होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको कहते हैं, यूपीएससी के द्वारा ही सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिया जाता है और सिविल सर्विस का एग्जाम जो है वो एक बार होता है। इसमें आईएएस आईपीएस आईआरएस और अन्य कई तरह के सेंट्रल सर्विसेज होते हैं, इसमें कम से कम 18 से 20 तरह की सर्विसेज इसमें होती हैं और आपके रैंक के हिसाब से ही कौन सी सर्विस मिलनी है वो डिसाइड होता है, आपके रैंक और आपके चॉइस को मिला करके। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम अगर आप तैयारी करेंगे तो आप जो भी बनना चाहेंगे, जो आपका रैंक होगा और जो आपका चॉइस होगा उस बेसिस पे आप बन सकते हैं।
सोनू चौधरी जी, मधेपुर थाना में कोरेक सिरप की बहुत सेलिंग हो रही है, मेडिकल स्टोर में कुछ कीजिए। सोनू जी, लगातार हम लोग बहुत बड़े भारी पैमाने पे कोरेक्स और जो इस तरह के सब्सटेंस होते हैं उसकी रिकवरी कर रहे हैं। सभी बॉर्डर एरिया में ये शिकायत रहती है जिस पे हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत भारी मात्रा में हम लोगों ने रिकवरी भी किया है, कार्रवाई भी की है। इसमें जो संदिग्ध लोग हैं, जो SSB भी वहाँ पे सभी जगह पे चेक पोस्ट है, SSB का भी और बिहार पुलिस का भी, उन लोगों को स्पेशली इन इन सब चीज़ों के लिए निर्देशित किया गया है कि इस तरह के जो भी कारोबारी हैं उन पर कार्रवाई करें। खास करके जो आवागमन किया जाता है रास्तों से, वहाँ पर लगातार चेकिंग करें। तो ये हम लोग करवा रहे हैं और भी इसको हम लोग सख्ती से लागू करवाने के लिए कोशिश करेंगे। आयुष राज, हम भी इस बार दे रहे हैं सर, फरवरी में नोटिफिकेशन जारी होने वाली है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आयुष जी, आप UPSC क्लियर करें और एक पदाधिकारी बनकर अपने समाज की सेवा करें, राज्य की सेवा करें, यही मेरी शुभकामना है। प्रियांशु कुमार ठाकुर, हाँ भैया जनता जानता है लेकिन प्रमोशन से भी होता। हाँ, UPSC के द्वारा तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता ही है, उसके अलावा जो BPSC या राज्य सेवा से जो लोग जाते हैं उनका भी प्रमोशन कुछ सालों के बाद, नौकरी के बाद प्रमोशन से भी ISIPS में प्रमोट होते हैं लोग। बैजनाथ यादव, गोगडिया थाना में हर सर कोई काम नहीं होता है, उचित FIR दर्ज नहीं किया जाता है, करताना सही चलता है सर, मेरा नंबर 1923, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, घर घुस कर कपाल फोड़ दिया। बैजनाथ यादव जी, मैंने इसको नोट कर लिया है ये नंबर को, और हम संबंधित वरीय पदाधिकारी को निर्देशित करेंगे कि इसको रिव्यू करके जो भी उचित कार्रवाई है उस पर त्वरित तौर पर कार्रवाई करें। प्रियांशु कुमार ठाकुर, सर आप कोचिंग दिए थे क्या? प्रियांशु जी, ये UPSC वाला जो चीज़ है, तैयारी करना और कैसे क्या किया जाता है, बहुत लंबा टॉपिक है। अगर आप लोग कभी डिमांड करेंगे को चाहेंगे तो मैं अलग से इसके बारे में एक बार छोटा सा फेसबुक लाइव करके आपको बता दूंगा, लेकिन अभी चूंकि केवल मैं कंप्लेन के बारे में जानना चाहता हूँ, बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें समय लगता है बताने में, कितना अटेम्प्ट होता है कि कोचिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, बहुत वाइड टॉपिक है ये जिसपे हम लोगों को समय लगेगा, तो ये हम लोग कभी बाद में फेसबुक लाइव पर भी करेंगे। मेरे ख्याल से काफ़ी देर हम लोगों ने बात किया है और ये फेसबुक लाइव जो है इसी तरीके से लगातार हम लोग करते रहेंगे। अभी लगभग 50 मिनट के आसपास हम लोग आपसे जुड़े रहे, काफ़ी लोगों ने अपने कंप्लेंट दर्ज किए हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से, इसको हम लोग जितने भी कंप्लेंट हैं हम लोगों ने नोट कर लिया और उस पर कार्रवाई करेंगे। एक बार आप लोगों को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस फेसबुक लाइव से जुड़ने के लिए, और आगे भी जब हम लोग फेसबुक लाइव करेंगे तो एक दिन पहले ही नोटिस डाल देते हैं अपने फेसबुक सोशल मीडिया पेज पे, ताकि लोग पहले से अवेयर रहें और उसमें समय जुड़ पाए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का एक बार फिर से फेसबुक लाइव से जुड़ने के लिए। थैंक यू।